बनाने जा रहे हैं, जो है इसमें डालेंगे घी और मखाने की खीर। तो मखाना भूनने के लिए हम इसमें घी, शुद्ध देसी घी जो है इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने यहाँ 3 से 4 चम्मच जो है घी डाला हुआ है। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है मखाना, तो मखाने को ऐसे हम इसमें जो है सेकेंगे मीडियम आंच पे। बराबर चलाएंगे, नहीं तो मखाना हमारा जल सकता है। तो मखाना सेक के हमको एकदम क्रिस्पी हो जाएगा, तब जो है इसको उतारना है। मीडियम आंच पे ही करना है और बराबर चलाते हुए, नहीं तो जल जाएगा। तो इसको हमको बराबर चलाना है। और खीर इसकी जो है बहुत अच्छी जो है उनके तैयार होती है, और इसको हम व्रत में भी खा सकते हैं। वैसे खासकर मैं व्रत में, व्रत के लिए ही बना रही हूँ। तो इसको हम अच्छे से सेक लेंगे, तो 5 से 7 मिनट लगभग हो गया है। हम ऐसे दबा के देख लेंगे। मखाना देखिए एकदम क्रिस्पी आवाज़ कर रहा है। इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो हमारे मखाना हमारा ठंडा हो गया है, तो इसमें से मैं थोड़ा सा निकाल दूंगी, खड़े इसको इस्तेमाल करूंगी, और थोड़ा जो है ऐसे हाथ से दबा के तोड़ दूंगी। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये आसानी से, और या खलबट्टे में भी डाल के तोड़ सकते हैं। तो मैं खलबट्टे में नहीं तोड़ूंगी, ऐसे करके और ऐसे तोड़ दूंगी। देखिए हमने ऐसे तोड़ लिया है, इसको भी मिला देती हूँ इसमें। और इसको हम, तो यहाँ मैंने दूध जो है गर्म होने के लिए रखा है, इसमें ही डाल देते हैं। तो यहाँ एक लीटर करीब दूध होगा मेरा, तो इसमें डाल देंगे, डाल के इसको चला देते हैं और इसको पकने देते हैं। यहाँ पे 3-4 जो है थोड़ा सा जो है केसर मैंने डाल दिया है, और इसको डाल के चला देंगे, ताकि जो है जैसे जैसे दूध हमारा पकेगा इसका कलर और खुशबू इसमें अच्छे से जो है आएगी। तो इसको हम पकने देते हैं मीडियम आंच पे, और इसको बराबर थोड़ी थोड़ी देर पे इसको चलाते रहेंगे, कि जैसे जैसे पकेगा वैसे वैसे गाढ़ा होगा, तो नीचे जो है पकड़ने का चांस रहेगा। इसको हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि धीरे धीरे मखाना हमारा ऐसे फूल रहा है। तो इसको हम पकने देते हैं तब तक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मखाना हमारा जो है सॉफ्ट हो गया है। तो ऐसे जो बड़े बड़े दिख रहे हैं, तो इसको हम ऐसे दबा दबा के जो है थोड़ा इसको तोड़ देंगे, तो छोटा बड़ा और जाएगा मुँह में, तो खाने में अच्छा लगेगा और जो है गाढ़ा भी हो जाएगा जल्दी। तो ऐसे करके हम इसको तोड़ देंगे। देख सकते हैं कि खीर हमारी गाढ़ी लग रही है, अभी गाढ़ी होना चालू हो गया है अच्छे से। तो इसमें हम शक्कर डाल देंगे। मैंने यहाँ पे एक छोटी सी कटोरी से शक्कर लिया है, आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं कम ज़्यादा। इसमें हम शक्कर डाल देंगे और इसको बराबर चलाते हुए भी, इसको अब गाढ़ा होना चालू हो गया है, तो इसको पकड़ने का जो है डर है, तो इसको हम बराबर चलाते हुए इसको पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं खीर हमारी अच्छे से गाढ़ी हो गई है, और जब ठंडे होने के बाद में और गाढ़ी होगी। तो आँच को हम बंद कर देंगे। इसमें मैंने काजू और बादाम लिया है, आपको जो फ्रूट जो है सूखा मेवा पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। इसमें हम डाल देंगे और थोड़ा सा जो है ऊपर से गार्निश करने के लिए बचा के रख देंगे। तो इसको हम मिक्स कर देते हैं और इसको ठंडा करने के लिए थोड़ी देर रख देते हैं। कितना अच्छे से गाढ़ा हो गया है, तो चलिए हम एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। इसमें जो है ऊपर से थोड़ा सा काजू बादाम
और डाल दूंगी मैं। तो देखिए देखने में कितना बढ़िया लग रहा है और खाने में तो और अच्छा लगता है। अच्छा के साथ साथ पौष्टिक भी है, तो बच्चों और जो है बड़ों को सबको पसंद आने वाला है। तो बनाइएगा और खाइएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और मेरे अगर मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके और मैं ऐसे नई नई वीडियो लाती रहूं। अगले वीडियो में मिलती हूं, तब तक कुछ और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।